हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड में। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं AWS की एक और टॉपिक के बारे में, और इसमें हम आपको डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से आप S3 बकेट का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट द S3 बकेट, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल देखेंगे, लैब देखेंगे कि कैसे आप अपने AWS पोर्टल पे S3 बकेट को क्रिएट करते हैं, राइट? तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि S3 बकेट है क्या और किस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, रियल इन्वायरमेंट में कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी थिंग इन थेरेटिकल पार्ट। तो आज का जो एजेंडा है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं AWS S3 बकेट, राइट? सो S3 बकेट, आई होप यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। दो तरीके के स्टोरेज होते हैं, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है, एक आपका ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज होता है, राइट? तो S3 बकेट जो है हमारे AWS पोर्टल के ऊपर, विच इज कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, इस S3 बकेट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। अब क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज क्या कहलाता है। सो रिमेंबर, वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। अगर हम बात करें यहाँ पे गूगल ड्राइव की, या फिर हम बात करें अपने वन ड्राइव की, या फिर यू नो दैट अपने पास एक ऑप्शन होता है आई क्लाउड का, ठीक है? तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है, ये कुछ पब्लिक स्टोरेज प्रोवाइडर हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम अपना पर्सनल डेटा रख सकें। गूगल ड्राइव की बात करें तो यू नो दैट 15 GB का स्पेस आपको इमीडिएट मिल जाता है जैसे ही आप अपने गूगल पे मीन्स जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। 15 GB का स्पेस आपको तुरंत के तुरंत असाइन हो जाता है। सो दीज आल आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। इसको मैंसन करने का मतलब यही है कि आपको अच्छे से समझा सके कि ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज क्या होता है। थिंक अबाउट आवर गूगल ड्राइव। एज वी नो दैट गूगल ड्राइव को हम अपने फ़ोन पे एक्सेस कर लेते हैं, टैबलेट पे एक्सेस कर लेते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एक्सेस कर लेते हैं, राइट? बट आपने कभी देखा है कि गूगल ड्राइव से जो स्पेस 15 GB का मिला है उसका हम पार्टीशन कर पाएँ, या फिर उसको हम अपने हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल कर पाएँ? आई डोंट थिंक वी हैव ऑप्शन टू एक्सेस ओवर 15 GB स्पेस एज ए हार्ड ड्राइव, राइट? क्योंकि हार्ड डिस्क के स्पेस में, हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में आपका स्पेस तभी दिखेगा जब आपने ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज को सेलेक्ट किया है। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज आपको एक तरीके का फोल्डर मिलता है, मीन्स आप इस अपनी व्हाट वी कैन से दैट अपने इस S3 बकेट को अपने बेस मशीन पे मैप करते हैं या किसी भी डिवाइस पे मैप करते हैं तो ये आपको एज ए फोल्डर मिलेगा और आप इसमें कोई भी डेटा अपलोड कर सकते हैं। किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम यहाँ पे आसानी से अपलोड कर सकते हैं, राइट? एन नंबर ऑफ यूसेज है S3 बकेट के, मल्टीपल यूसेज हैं। क्या क्या यूसेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप अपने S3 बकेट में कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? यू कैन स्टोर एनी डेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसके थ्रू स्टेटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई वेबसाइट होस्ट करनी है स्टैटिक वेबसाइट, तो S3 बकेट के जरिए आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर लेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, माइग्रेशन में हमारी हेल्प करता है। माइग्रेशन इन द सेंस लाइक एज अ अपने ऑन प्रमाइसेस में कोई वर्चुअल मशीन है और उस वर्चुअल मशीन को आप माइग्रेट करना चाहते हैं, तो इस केस में, राइट, इस केस में आप अपने वर्चुअल मशीन को माइग्रेट कर सकते हैं। कहाँ पे? अपने S3 बकेट के अंदर, VHD फॉर्मेट में, VHDX फॉर्मेट में, .vmdk फॉर्मेट में, और आसानी से अपने इंस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि S3 बकेट काम कैसे करता है। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि S3 बकेट में क्या क्या ऑप्शन दिखते हैं और किस तरीके से हम इसको प्रोसीड करते हैं अपने AWS पोर्टल पे। मीनवाइल यहाँ पे हमने पहले से ही पोर्टल लॉगिन कर रखा है, दिस इज अवर पोर्टल, और यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च कर देना है S3, डायरेक्टली आपको S3 के पेज पे पहुँचा देगा। वी आर एबल टू फाइंड S3 बकेट, ओपन करा लेते हैं। S3 ग्लेशियर इज अ सेपरेट पार्ट, बकेट इज अ सेपरेट पार्ट। दोनों में गैप क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी हम आपको डिफाइन करेंगे। सो अभी हमने S3 बकेट को ओपन किया और लेट मी चेक कि कितने नंबर ऑफ बकेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए कुछ बकेट पहले से बना रखे हैं, क्लास बकेट समथिंग, राइट, ट्रेनिंग बकेट, वीएम बैकअप बकेट, वीएम बैकअप 1988 समथिंग। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन मोर बकेट, ठीक है? यहाँ पे हम एक बकेट तैयार करते हैं, और बकेट जो है वो ग्लोबल एक्सेस होता है। मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी लोकेशन में, किसी भी रीजन में आपने बकेट को क्रिएट किया है, तो दूसरी लोकेशन में जाकर के उस बकेट का डेटा आप देख सकते हैं,
उस बकेट को देख सकते हैं और अपने ऑन प्रमाइस से डेटा को अपलोड कर सकते हैं। बकेट नेम मस्ट बी यूनिक, तो यहाँ पे हम बकेट नेम दे देते हैं क्लाउड कक्सा, ठीक है, मस्ट बी यूनिक, और इसको हम रखना चाहते हैं एशिया पैसिफिक मुंबई लोकेशन में। नो नीड टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, इसको अनचेक कर देते हैं बिकॉज इसका जो डेटा रहेगा वो हम वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं, इस वजह से हम इसको पब्लिकली अलाउ करना चाहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू ब्लॉक इट, एक्नॉलेज, यस, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे क्रिएट पे। बकेट नेम मस्ट बी यूनिक क्योंकि वर्ल्ड वाइड रहता है, तो यू मस्ट नीड टू यूज द बकेट, सॉरी यूनिक नेम। यहाँ पे हमने बकेट तैयार किया विद नेम ऑफ क्लाउड कक्सा विच इज क्रिएटेड, जस्ट अभी तैयार किया है। ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा, स्पेस प्रोवाइड कर देगा जहाँ पे आप कोई भी डेटा अपना ऑन प्रमाइसेस से अपलोड कर पाएंगे। तो क्लिक अपलोड और ये रिडायरेक्ट करेगा अपने ऑन प्रमाइसेस पे। फाइल अपलोड करनी है, फोल्डर अपलोड करना है, दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद फाइल, और फाइल अपलोड करने के बाद कोई सा भी एक डेटा ऑन प्रमाइसेस पे उठा लेते हैं, इमेज हो गया या कुछ भी एक डेटा उठा लेते हैं। चलिए ये हम इमेज उठा लेते हैं, जस्ट ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज, केबी में है, नॉट एन इशू। सेलेक्ट किया हमने इमेज को और इसको कर देंगे अपलोड, दैट्स इट, वी सक्सेसफुली अपलोडेड द डेटा। ये हमने एक फाइल अपलोड कर रखी है अपने S3 बकेट में, लेट मी रिफ्रेश। चलिए ये अपने पास इमेज आ गई है, आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे। इफ़ यू वांट टू एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क, आप कॉपी यूआरएल का दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन, एक्शन पे जाएंगे, शेयर विद प्री साइंड यूआरएल विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क, आपको इस प्री शेयर्ड यूआरएल पे क्लिक करना पड़ेगा। कितनी देर के लिए, यहाँ पे ड्यूरेशन भी लगा सकते हैं, विद इन मिनट, विद इन आवर, तो यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए इसको एक्सेस करना चाहते हैं। क्रिएट प्री साइंड यू आर एल, और ये हमें एक यू आर एल प्रोवाइड करेगा विच इज़ कॉपी द यू आर एल। इसको किसी भी ब्राउजर पे आप पेस्ट करिए, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट हियर। जो डेटा आपने अपलोड किया था वो इमिडिएटली आपको हाईलाइट हो जाएगा, राइट? तो इसकी हेल्प ले सकते हैं टू शेयर आवर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, जिस तरीके से गूगल ड्राइव में हम डेटा रख करके शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज इट इज़ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है हर एक स्टेप, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है? एंड प्लीज डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।